दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म डंकी और सलार के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई है उसने पूरे बॉलीवुड के अंदर तहलका मचा दिया है। अब इस लड़ाई को देखने के बाद रामचरण कहते हैं कि दोनों सुपरस्टार्स की मूवीज को आगे पीछे करना चाहिए, क्योंकि जब दोनों ही मूवीज एक साथ आएंगी तो सलार मूवी को नॉर्थ में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और हिंदी ऑडियंस भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि एक तरफ शाहरुख खान है जिन्होंने काफी बड़ी सुपर हिट मूवीज दी है और उनकी डंकी मूवी भी काफी बड़ी मूवी साबित होगी, क्योंकि शाहरुख खान का विक्रम राठौर वाला अवतार अभी तक दिमाग से निकला नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस भी शाहरुख खान का काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही है। यानी कि राजकुमार हिरानी डंकी मूवी के डायरेक्टर है और उन्होंने शाहरुख खान के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान किया है और लग रहा है कि डंकी बॉक्स ऑफिस के ऊपर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और वहीं राजकुमार हिरानी प्रशांत नील से बड़े डायरेक्टर हैं और उन्होंने हमेशा सुपर हिट मूवीज ही दी है। और अगर हम प्रशांत नील की बात करें तो वो डार्क एक्शन मूवीज बनाने के लिए माने जाते हैं। लेकिन प्रभास अन्ना की आदि पुरुष ने लोगों को काफी ज्यादा डिसपॉइंट किया है और इस वजह से लोग प्रशांत नील की वजह से मूवी देखने आएंगे, प्रभास की वजह से नहीं। तो दूसरी तरफ शाहरुख खान है जिनकी दुनिया दीवानी है और शाहरुख खान ने एक साल में दो बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है। इस वजह से शाहरुख खान की मूवीज का स्कोप काफी ज्यादा है और शाहरुख खान का स्टार्डम भी काफी बड़ा है। इस वजह से डंकी मूवीज काफी बड़ी मूवीज साबित होगी और कहीं ना कहीं सलार को इसका सामना करना पड़ सकता है। वहीं राजकुमार हिरानी डायरेक्टर है तो मानो बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है। और वहीं जवान और पठान की सक्सेस के बाद शाहरुख खान का हर कोई इंतजार कर रहा है। अगर डंकी मूवी में शाहरुख खान एक बार फिर से अपना जलवा दिखाने में कामयाब हुए तो कहीं ना कहीं डंकी भी बॉक्स ऑफिस को फोड़ देगी, यानी कि इतना बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा जिसको तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। आपको क्या लगता है डंकी और सलार की जंग में कौन बनेगा सबसे बड़ा विजेता? कमेंट में लाजमी लिखना। और जिस तरीके से शाहरुख खान ने जवान मूवी के अंदर तबाही मचाई है, क्या उसके बाद शाहरुख खान का कोई मुकाबला कर सकता है? क्या विक्रम राठौर से डायनोसर का टकराना डायनोसर की तबाही का मकसद हो सकता है? कमेंट में लाजमी लिखना। अगर आप शाहरुख खान के या फिर प्रभास के फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को लाजमी सब्सक्राइब कर देना ताकि दोनों पैन इंडिया मूवीज की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।